नमस्कार, आज है 22 दिसंबर 2019 और आज कंडक्ट किया गया था डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का पेपर। तो देखिए, आज जब हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे तो उसके आंसर की के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु ऑफ द फॉलोइंग रोट द गवर्नर जनरल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट प्रपोजल टू ओपन द संस्कृत कॉलेज इन कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन डी, राजा राममोहन राय। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर था ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिटी आइडेंटिफाई फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग द लेटर स्कॉलर टू देवबंद स्कूल हु सपोर्टेड द पाकिस्तान मूवमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट ऑफ बंकिम चंद्रा चटर्जी बुक द आनंद मठ। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, द सन्यासी रेवेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, एनी बेसेंट मद्रास क्रिश्चियन फोरम जो है बिल्कुल करेक्टली मैच किया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, प्राइमरी डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है तो इसमें आपको स्टेटमेंट्स को पढ़ के बताना था कि कौन सी बिल्कुल करेक्ट दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप इज की गोल ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, माइक्रो इरिगेशन फंड अंडर नाबार्ड। देखिए, क्वेश्चन पेपर जो था ये इंग्लिश में ही था, हिंदी में क्वेश्चन नहीं दिए गए थे तो हम इंग्लिश में ही इसीलिए इसे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मैंगो शावर आर मोस्ट प्रिवेलेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोस्टल कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर लैंड यूज कैटेगरी इन इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंडिया प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द कॉफी प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी अराबिका जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा, फॉरेस्ट्स एंड हिल इन नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, अब HPGK के क्वेश्चन चलते हैं तो इन क्वेश्चन को हम ढंग से डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने डीपली डिस्कस किए थे। पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 19, ये देखिए हमने डिस्कस भी किया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 था, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3962 मीटर वेयर द गद्दी ट्राइबल विजिट ऑन द जन्माष्टमी टू ऑफर प्रेयर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी जो है वो लामा डर लेक सही आंसर है, ये कई बार हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज बीन रेटेड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ वेस्टर्न हिमालयन एंड अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ लेटर गुप्ता ट्रेडिशन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी, भजौरा टेम्पल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें आपसे पूछा गया है कि स्टेट वुमेन काउंसिल जो होता है उसके चेयरमैन कौन होते हैं। चेयरमैन आपको बताना है, तो देखिए इसके चेयरमैन जो होते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी, चीफ मिनिस्टर जो है वो सही आंसर दिया गया है आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स वॉज टर्म्ड एज द शिमला टेरर एंड शिमला जेनोसाइड्स बाय द इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंग्लैंड। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 हमने कई बार डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, हु डिजाइन द क्राइस्ट चर्च एट शिमला एंड सेंट जॉर्ज चर्च एट आगरा। तो क्वेश्चन नंबर 23 की अगर मैं आपको बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द भल्टोहिया वाला शहर एंड छोटा मुरादाबाद फॉर इट्स ब्रास यूटेंशियल्स ऑफ वेरियस साइजेस एंड शेप्स। देखिए, ये क्वेश्चन भी मिशन एलाइड में एक बार ही डिस्कस हुआ था, रिपाइज नहीं हुआ था वैसे, परंतु एक बार हमने ये डिस्कस किया था। ऑप्शन बी गंगत जो है क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वुमेन ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट
हैव डिसाइडेड टू प्लांट सी बक थॉर्न इन द रीजन ऑफ कंजर्व द एनवायरमेंट विच इज कंसिडर्ड एज द इको फ्रेंडली प्लांट फॉर दिस दैट एरिया। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी लाहौल स्पीति बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको करेक्टली मैच करना था इनका एरिया, तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश प्रोपोर्शन ऑफ 7.8% पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इज रिकॉर्डेड विच इज लोएस्ट इन द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि कहाँ पर शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन अधिक है, कहीं कहाँ पर शेड्यूल ट्राइब की, और किस डिस्ट्रिक्ट में कम है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन। परसेंटेज भी आपके साथ डिस्कस की थी, हर एक चीज़ डिस्कस की थी इससे रिलेटेड हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है अ पर्सन हु सेट अप आ एप्पल ऑर्चर्ड मिंड्रोल ऑर्चर्ड इन 1870 एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग प्लांट्स फ्रॉम यूके। देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है, एब्सोल्युटली कैप्टन आरसी ली जो है वो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए एचपी जी के बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिए हुए थे, एचपी जी के डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे थे, क्वेश्चन को लिंक किया गया था कहीं ना कहीं से। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर होगा इसका होगा ऑप्शन सी निर्माण भवन। निर्माण भवन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। 18 दिसंबर 1970 यहाँ पर होगा, शायद आपको 1970 कंप्लीट ना दिखे, 1970 है, 18 दिसंबर 1970 यहाँ पर पूछा गया है द बिल नेमली द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ऑन July 31st, 1970 टू एलिवेट द स्टेटस ऑफ हिमाचल प्रदेश टू अ फुल फ्लेज्ड स्टेट वॉज पास्ड बाई द यूनियन पार्लियामेंट ऑन। तो इसका सही आंसर है ये पास जो बिल हमारा हिमाचल को इंडिपेंडेंस हिमाचल को अलग स्टेटहुड का दर्जा देने के लिए हुआ था, ये हुआ था 18 दिसंबर 1970 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है हु अमंग द फॉलोइंग नोटेबल पर्सन नेवर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द कॉज ऑफ द एजुकेशन इन द प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 32 की अगर मैं बात करूँ तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बंसी लाल पाथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 की बात की जाए तो इसमें 5.83 लाख हेक्टेयर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर मैं आपके साथ बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 34 का एब्सोल्युटली ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 34 का ए आज पुरानी राहों से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्कीम चलाई गई है टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 विच पास प्रोवाइड द मेन अप्रोच टू स्पीति फ्रॉम लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 35 का एब्सोल्युटली ऑप्शन सी कुंजुम दर्रा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है द चाइनीज पिलग्रिम हेंद सांग कॉल्ड चंद्रताल विद विच नेम। तो हेंद सांग में जो चंद्रताल को नाम दिया था उन्होंने दिया था लोहित्या सरोवर, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 36 का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 37 टू टैप द क्यूरेटिव पोटेंशियल ऑफ हॉट वाटर स्प्रिंग HPTDC हैज बिल्ट टर्किश टाइप बाथ्स नियर विच हॉट वाटर स्प्रिंग ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन सी वशिष्ठ जो है वो बिल्कुल सही आंसर है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 38 है पाछा कुल्टी शिल्ली तापन आर सम प्रोमिनेंट नेम्स इन चंद्रा वैली। तो ये क्या है क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन सी ये ग्लेशियर है, एब्सोल्युटली ग्लेशियर ही यहाँ पर होगा। रिवर्स चंद्रा की कोई इतनी है नहीं, पीक्स भी कुछ इतनी फेमस नहीं है और हॉट वाटर स्प्रिंग वहाँ पर है ही नहीं, ग्लेशियर ही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है अकॉर्डिंग टू ग्रेनियरसन कॉल्ड विद वट नेम टू कॉमन लैंग्वेज पहाड़ी ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर क्वेश्चन नंबर 40 का देखें तो ऑप्शन ए वेस्टर्न पहाड़ी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है किन्नौरी वुमेन वर कंपेयर टू होम ऑन अकाउंट ऑफ देयर वुलन रेमेंट बाय कनिंगम। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया था, तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है स्कॉटिश एंड एलिगेरियन। तो क्वेश्चन नंबर 40 भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 भी हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 42 है इन विच डिस्ट्रिक्ट मारिच हवन कुंड इज लोकेटेड विच वॉज रीओपन्ड आफ्टर 900 ईयर्स इन 2005। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर मैं बात करूँ तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अपने शिमला में है ये मारिच हवन कुंड, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है विच ऑफ द फॉलोइंग गोम्पा हैज़ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कैंग्यूर एंड तेंगूर। तो क्वेश्चन नंबर 43 भी हमने एक बार डिस्कस किया था, कारदंग गोम्पा बिल्कुल सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 44 है इन विच ईयर द फेमस चंबा रुमाल वॉज डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज बाय यूनेस्को।
क्वेश्चन नंबर 44 की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन सी 31 अक्टूबर 2008 जो है इसका सही आंसर है। इस तारीख को जो है वो चंबा रुमाल को यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, एट विच प्लेस इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट द इंडियन काउंसिल ऑफ एनिमल रिसर्च इज मेंटेनिंग फर एनिमल डिवीजन। डिवीजन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, गारशा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, हु अमंग अस द फॉलोइंग डोनेटेड द हॉल स्टेट एस्टेट टू द इंटरनेशनल रोरिक मेमोरियल ट्रस्ट विच इज नॉट नाउ एज द रोरिक नोन एज द रोरिक आर्ट गैलरी। तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन सी जो है वो देविका रानी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, एप्पल द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूट व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल प्रोडक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन डी 85% जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्वर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ हाईएस्ट परसेंट फिश प्रोडक्शन इन द कंट्री। एब्सोल्युटली इसका सही आंसर जो है वो होगा गोविंद सागर लेक। गोविंद सागर में ही सबसे अधिक प्रोडक्शन होती है मछलियों की। क्वेश्चन नंबर 49 जो है, देखिए इसमें अब करंट अफेयर के क्वेश्चन ही हमारे चलते हैं। वन सिटीजन वन ट्री कैंपेन इज कहाँ पर लॉन्च किया गया था कैंपेन। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन ए मेघालय बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 का अगर मैं आपको बताऊं, नंदन नीलकनी कमेटी जो थी वो किससे संबंधित थी, ये थी संबंधित डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट से। ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, वट इज़ द नेम ऑफ रिसेंटली डेवलप्ड वर्ल्ड थिनेस्ट गोल्ड। अभी वर्ल्ड का सबसे थिनेस्ट गोल्ड फाइंड किया गया है, उसका नाम है नैनो सीवीड। ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, नीति आयोग के द्वारा जो एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है उसका नाम है, और क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन ए अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर जो है उसका सही आंसर है। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर दिया गया है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सेलिब्रिटीज हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एडवोकेट ऑफ यूनाइटेड नेशन। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन बी दिया मिर्जा बिल्कुल सही आंसर है। करंट अफेयर इन्होंने काफ़ी पुराना करंट अफेयर पूछा था, इस बार का जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का एग्जाम था तो काफ़ी पुराना करंट अफेयर पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 55 है, एन ऑल वुमेन पुलिस पेट्रोल यूनिट रानी अबाका फोर्सेज जो है वो कौन से स्टेट के द्वारा कौन से सिटी के द्वारा बनाई गई है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन सी मंगलुरु जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, तो क्वेश्चन नंबर 56 में 2019 का पुलित्जर अवार्ड प्राइज किसे दिया गया है फॉर फिक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 56 की अगर मैं बात करूं तो उसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट मैरिज एक्ट 2019 प्रोवाइड्स। तो क्वेश्चन नंबर 57 का एब्सोल्युटली ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 58 है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड रिसेंटली एज द कंट्री रिप्रेजेंटेटिव टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन सी विवेक सक्सेना जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, तो क्वेश्चन नंबर 59 का अगर यहाँ पर सी बॉक्स एक लॉन्च किया गया है महिलाओं की हेल्प के लिए, अगर उनके साथ कुछ भी सेक्सुअल हरासमेंट उनके वर्क प्लेस पर होती है, तो इसमें उन्होंने पूछा है कि सी में ई जो है वो किसको रेफर करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। अच्छा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी न्यू एडिशन हमारी हिमाचल जीके की आए तब आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 60 है, नेम द कंट्री विच अनाउंस्ड 1 month फ्री वीज़ा ऑन अराइवल टू फॉरन नेशन फॉर नियरली 50 nations। देखिए अभी एक महीने के लिए जो फ्री वीज़ा वाली स्कीम शुरू की गई है वो की गई थी श्रीलंका के द्वारा। ऑप्शन ए 60 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, तो क्वेश्चन नंबर 61 की अगर मैं बात करूँ, जैसके बैंक विच हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट नेगेटिव इंटरेस्ट रेट मॉर्टगेज इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन डी डेनमार्क बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, इंडियाज फर्स्ट वाटर क्लिनिक फॉर एलिफेंट हैज ओपन्ड इन विच प्लेस। ये जो है 62 का ऑप्शन ए मथुरा बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, स्ट्राइड में आपको बताना है कि किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन ए टू बूस्ट
रिसर्च कल्चर, क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिलीज्ड द रिपोर्ट वर्किंग ऑन वार्मर प्लेनेट। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन ए ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर पूछा गया है कि यूनेस्को की लिस्ट में इनमें से कौन सी है, तो यूनेस्को की लिस्ट में क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन सी माउंट कैलाश जो है वो बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 65 का। क्वेश्चन नंबर 66 है, क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 66 का। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन सी उड़ीसा के द्वारा खुशी स्कीम जो है वो शुरू की गई है। याद रखेंगे खुशी स्कीम उड़ीसा ने शुरू की है। और प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड वर्ल्ड हिंदी सेक्रेट बिल्डिंग इन, क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन बी मॉरिशियस जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, विच यूटी हैज़ बिकम दी फर्स्ट इन 100% सोलर एनर्जी एफिशियंट। आई थिंक करंट अफेयर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था, तो इसका सही आंसर है दीयू, ऑप्शन बी 69 का बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, तो क्वेश्चन नंबर 70 जो आपके पास दिया गया है, विच कंट्री लॉन्च इट्स फर्स्ट कमर्शियल मूवी थिएटर आफ्टर 40 ईयर्स बैन। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन ए सऊदी अरबिया सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 की अगर मैं बात करूँ तो ये 23 अप्रैल को इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाया जाता है, ये मनाया जाता है विलियम शेक्सपियर्स के नाम पर, ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है, हु रिसेंटली किसको MS स्वामीनाथन अवार्ड 2019 दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, केनेथ एम क्यूनिन को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 73 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा, यूनाइटेड किंगडम ने जो है वो सिखों को उनका जो कृपान और उन कृपान जो होता है उसको कैरी करने की परमिशन जो थी वो लीगली दे दी है। क्वेश्चन नंबर 74 है, इन विच इंडियन सिटी दी फर्स्ट ट्री एम्बुलेंस सर्विस कहाँ पर शुरू की गई है, तो क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन ए चेन्नई जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है, LIC का स्लोगन कहाँ से लिया गया है, तो LIC का स्लोगन क्वेश्चन नंबर 75 का भगवत गीता से लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 75 का ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 है, लोकसभा हैज़ पास्ट पर्सनल लॉ बिल 2018, इसका एम क्या है, इसका एम जो है क्वेश्चन नंबर 76 का जो है ऑप्शन डी लेप्रेसी को रिमूव करना इसका एम है। क्वेश्चन नंबर 77 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल पार्क सिटी, तो क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन ए जो है वो लंदन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है, 78 का ऑप्शन ए सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 79 की अगर बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन सी सिंगापुर जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 जो है क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज़राइल। क्वेश्चन नंबर 81 है अपना इंडियन पॉलिटी का, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन स्पिरिट ऑफ, तो क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन सी प्रियम्बल जो है वो सही आंसर होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली है, फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं USSR से, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 जो है वो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू एडजुडिकेट द डिस्प्यूट ऑफ सेंटर एंड स्टेट, क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन डी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 है, इन डेमोक्रेसी सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी इज वेस्टेड इन, तो डेमोक्रेसी में पीपल्स के पास होती थी पीपल, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से ली गई है, तो सिंगल सिटीजनशिप हमने ली है UK से, ऑप्शन बी सही आंसर है। और जो रिस्पॉन्सिबल होता है सोशल ऑडिट के लिए वो कौन होता है, वो होती है क्वेश्चन नंबर 86 का ग्राम सभा, और सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 साइंस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्प्लीन। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 89 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 का अगर बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए फैट जो है वो बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 91 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ दी मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम रेडिएशन होती है एक्सरेज की, ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 का, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर है हमारा सिलिकॉन, ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 है, द सीड कैन जर्मिनेट इन द एब्सेंस ऑफ, क्वेश्चन नंबर 93 का एडिक्वेट लाइट सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 का अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन बी ज़ेरोफाइट्स जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 है, आइडेंटिफाई फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग हु इज नॉट एसोसिएटेड विद प्रार्थना समाज, क्वेश्चन नंबर 95 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी पंडित लेखराम।
क्वेश्चन नंबर 96 में आपको सही कोडिंग करनी है, तो क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। अच्छा, जल्दी ही हम HPGK की सीरीज फिर से स्टार्ट कर दे देंगे, तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। 97 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 98 की अगर मैं बात करूँ, तो क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर जो आपके पास होगा, इनमें आपको कौन सा सही दिया गया है वो आपको मैच करना है, होम रूल लीग से रिलेटेड है सब। तो क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, इनमें जो बिल्कुल सही दिया गया है। सबसे पहले तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक जी ने शुरू किया था ये होम रूल लीग, उसके बाद एनी बेसेंट ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 99 है, क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन सी जो है वो इलाहाबाद में ये सेशन हुआ था 1920 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का। क्वेश्चन नंबर 100 है, क्वेश्चन नंबर 100, ऑफ दी फॉलोइंग विच इज़ दी करेक्ट अबाउट फॉर्मेशन ऑफ वेरियस सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बाय B.R. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन सी सही आंसर है, उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो थी वो 1942 में बनाई थी। ये थे आज के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पेपर, जितने भी आंसर थे वो सभी एज पर ऑफिशियल आंसर की थी। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।